था, खांसी हो रहा था और सर पेट में दर्द, क्या समुचित उपाय जिसके कारण उनका हालत और बिगड़ गया। कटिहार के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मरीज की हालत खराब होते देख परिजन दौड़े चिल्लाए, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, ऑक्सीजन का भी पता नहीं। परिजन बेचैन होते रहे। इस वीडियो को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी साझा किया है। पहले आप यह वीडियो देखिए। इस मामले में परिजनों ने बताया कि पेट दर्द और खांसी की शिकायत पर मरीज को अस्पताल लाया गया था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। सुनिए परिजन क्या कह रहे हैं। पता क्या हुआ? देखिए, इसको खांसी होता था तो इसको यहाँ लेते आए और लेके आए तो वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ बोला बैठो, आप बैठे एक घंटा से बैठे हुए हैं, एक घंटा से हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन लगाइए, इनको ऑक्सीजन का दिक्कत हो रहा है, लेकिन सुनते रहे, हाय हेलो करते रहे, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी तक अवेलेबल नहीं कर। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं चालीसा हाट बड़ा बाजार से, मंदिर चौक से। कौन किनको लाए हैं? ये हमारे चाचा हैं। क्या दिक्कत? क्या दिक्कत था? खांसी हो रहा था और सर पेट में दर्द था। डॉक्टर लोग यानी समुचित इलाज नहीं किए, या समुचित उपाय यहाँ नहीं हो पाया, जिसके कारण उनका हालत और बिगड़ गया। क्या नाम है आपके चाचा का? हजारी प्रसाद साहब। वही यह दृश्य देखने के बाद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आईसीयू में है, 15 वर्षों की सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नकारात्मक राजनीति में लीन होकर नदारद है। तेजस्वी ने आगे कहा, ये क्या हो रहा है नीतीश जी, कहाँ है आपका दुलारा स्वास्थ्य मंत्री, लोग मर रहे हैं। सीएस साहब से पूछा कि डेढ़ घंटे से परिजन कर रहे हैं, मरीज भर्ती हुआ 9:38 ठीक है मरीज भर्ती हुआ है 9:38 में और 9:50 के आसपास में मृत्यु हो गई है। 9:55 में हम वहाँ पहुँचे थे, कंडीशन को देखे, डॉक्टर से बात किए, सब लोग थे। तो डेढ़ घंटे का सवाल जो है ये आरोप ही झूठा है। ऑक्सीजन सही समय पर नहीं लगाएगा ये भी परिजन का। मात्र 9:38 से भर्ती हुई है, वार्ड में ले जाया गया, ऑक्सीजन भी लगाने के लिए डॉक्टर नविता भाई, ये जो हमारी जीएनएम है नविता भारती वार्ड इंचार्ज, वो बगल में ऑक्सीजन तो बेड के साथ रहता नहीं है, बगल से ला के लगा दी है, लेकिन वो कंडीशन बहुत पुराने रोगी थे, डॉक्टर संजय तिवारी के यहाँ से इलाज थे और वहाँ स्थिति गड़बड़ हुई तो उसको जबरदस्ती लोग भेज दिया गया दही सदर अस्पताल में, वो यहाँ आए अपना। सर और ये भी बात है सर कि मतलब 38 नंबर में ऑक्सीजन, जो 38 नंबर की वार्ड इंचार्ज है वो ऑक्सीजन नहीं ले रही है, क्या कारण है? आपको कई बार पत्र भी लिखा गया है। कई बार पत्र की बात नहीं हुई है, हाँ, कोविड के काम को देखते हुए कुछ वार्ड इंचार्ज को कोविड काल में लगाया था, जिसे मैंने कल भी दुर्वृत्त कर चुका है और वो अभी भी उन लोगों का इंटेंट आया ऑक्सीजन वहाँ पहुँच जाएगा। कई महीनों से नहीं ले रही है? कई महीने से नहीं, कुछ दिनों की बात है। हाँ, मात्र हमारे 12 वार्ड हैं, उसमें से 3 वार्ड में ही नहीं किया था, बाकी सब वार्ड में तो ऑक्सीजन है ही, और जिस वार्ड में नहीं है पूर्व से ही इमरजेंसी से वहाँ ऑक्सीजन तो चला जाता है, इमरजेंसी में हर हमेशा ऑक्सीजन रहता मेरे पास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।